28 दिसंबर को बाजार उतार चढ़ाव के बीच मामूली गिरावट के साथ बंद हुए और निवेशकों की संपत्ति में 70,000 करोड़ रुपए का उछाल आया। भारतीय शेयर बाजारों की शुरुआत बुधवार 28 दिसंबर को तेजी के साथ हुई थी। हालांकि दिन बढ़ने के साथ इन्होंने अपनी बढ़त खो दी और कारोबार के अंत में मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 17.15 अंक गिरकर 60,910.28 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 59.80 अंक की गिरावट के साथ 18,136.35 के स्तर पर बंद हुआ। इन दोनों इंडेक्सेस के मुकाबले बीएससी मिड कैप 0.23% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.45% की बढ़त के साथ बंद हुए। उतार चढ़ाव भरे इस कारोबार के बीच 28 दिसंबर को शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति में करीब 70,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएससी में लिस्टेड सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 28 दिसंबर को बढ़कर 281.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 27 दिसंबर को 280.42 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएससी में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। सेंसेक्स के 30 में से 14 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए। जिन 5 शेयरों में आज सबसे ज्यादा उछाल देखा गया उनमें टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, पावर ग्रीड, इंडसइंड बैंक शामिल है। ये सभी शेयर आज 0.64% से लेकर 2.74% तक की तेजी के साथ बंद हुए हैं। वहीं सेंसेक्स के कुल 16 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी भारतीय एयरटेल में 1.44% की सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील और अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज 0.87% से 1.10% तक की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। बीएससी पर 28 दिसंबर को 3,629 शेयरों में कारोबार देखने को मिला। इनमें से 2,080 शेयर आज बढ़त के साथ बंद हुए हैं। वहीं 1,398 शेयरों में गिरावट देखी गई, जबकि 151 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट बंद हुए। बता दें कि यहां मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो, में आज हम बातचीत करेंगे जोमैटो के बारे में। दरअसल जोमैटो का जो नाम है वो लिया गया है टोमैटो से, उसी की तर्ज पे इसका नाम रखा गया, ताकि इस फूड मार्केट को, जो ग्रोइंग फूड मार्केट है, उसको ठीक से इनकैश किया जा सके। दरअसल जोमैटो की जो शुरुआत हुई थी वो फूडी बे के नाम से हुई थी, जब ये जहां पर ये शुरुआती कारोबार में इतना बड़ा स्टार्टअप या प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अपने कारोबार को रिवैम्प किया और ये प्लेटफॉर्म बिजनेस के अंदर उतरे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जोमैटो पे अब तक का जो सबसे बड़ा ऑर्डर है वो करीब करीब 2 लाख रुपए का है, और उस 2 लाख रुपए के ऑर्डर में ऑर्डर करने वाले को करीब करीब 60,000 रुपए के आसपास का एक डिस्काउंट भी आया था। कंपनी के साथ कुल रफली 1.5 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर्स एसोसिएटेड हैं, और कंपनी के साथ 2-3 जुड़े हुए फैक्ट में एक ये भी फैक्ट है कि 2021 के अंदर कंपनी के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा बिरयानी ऑर्डर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग चीज यह भी है कि किसी भी बड़ी स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप जो कि इंडिया में मौजूद है, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कोई भी स्टार्टअप है। करीब 9,500 करोड़ रुपए का आईपीओ था, जो कि अब तक का किसी भी स्टार्टअप का सबसे बड़ा आईपीओ है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जोमैटो से रिलेटेड, आगे भी कुछ और फैक्ट आपके लिए लेकर आते रहेंगे।